हेलो स्टूडेंट्स आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर 1.5 पॉइंट फाइव डेज ऑफ स्ट्रैटजी फॉर सी ए इंटर एफ एम एंड डी को एग्ज़ाम्स फॉर नवंबर ट्वेंटी थ्री ओके एक दिन पहले मैंने सी ए फाइनल के एस एफ एम का स्ट्रैटी शेयर किया था एंड बिलीव मी मुझे लगा कि ये बहुत ईजिली मैं कर लूँगी वैसे पढ़ाती हूँ मैं सी ए इंटर एफ एम एंड डी को दोनों पढ़ाती हूँ लेकिन इसमें मुझे दिक्कत ज़्यादा हुई बिकॉज़ द पोर्शन इज़ रियली ूज एटलीस्ट नंबर वाइज दे आर टू मनी चैप्टर्स एक्चुअली ईको बोलने को 40 मार्क्स का है छोटा लगता है सुनने में बट ईको का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है तो मैं सच बता रही हूँ तुमको मुझे बहुत स्ट्रगल हुई है स्ट्रैटेजी बनाने में मैंने कम से कम टू टू फोर टाइम्स मैंने उसको इरेज किया होगा और उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं अपना बेस्ट शॉट दे सकूँ इसके अंदर में ओके okay. क्या बोलूँ मैं तुमको सीए इंटर एफएम और ईको के लिए ये तुम्हारा लास्ट पेपर होगा मुझे पता है तुम बहुत थके हुए रहोगे तुम बहुत इरिटेटेड रहोगे तुम्हारा मन करेगा मैं छोड़ दूँ मुझे नहीं पढ़ना मुझे सोना है और क्या हो जाएगा एक पेपर ख़राब हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है तुमको अपनी ज़िंदगी की बेस्ट फाइट देनी है वहाँ पे और ये आसान नहीं होने वाला है अपने दिमाग का विल पार अपने बेस्ट पे रखना और स्ट्रॉन्ग रखना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ये बात मुझे बहुत अच्छी से पता है लेकिन ये सोच के तुम मेहनत करना कि ये तुम्हारा लास्ट पेपर है एफ एम ईको में एग्जामेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ओके ये एक बात हो गई दूसरी बात कि मेरा ऐसा मानना है मैं इसके लिए बात कर रही हूँ कि यूजुअली बच्चे एफ एम तो रिवाइज़ कर लेते हैं ईको नहीं कर पाते बिकॉज उनको लगता है ईको बाद में करते हैं पहले एफ करते हैं तुम गलत कर जाओगे ये बात पे उसका रीज़न बताती हूँ कि एफएम के अंदर चैप्टर्स इतने ज़्यादा है ना कि अगर तुमने पहले एफएम उठा लिया फॉर एग्जाम्पल तुम क्या करोगे तुम घर आ जाओगे अब अपसएम का पेपर दे करके लगभग सिक्स थर्टी पी तक तुम घर पहुँच चुके होगे राइट है आधे घंटे का तुम ब्रेक लोगे चाय पीना पानी पीना जो करना है करना मैं तुमको स्कोप नहीं दे सकती ज़्यादा आराम करने का सोने का बिकॉज समय नहीं है इट इज़ रनिंग लाइक एनी थिंग फॉर दैट मैटर सेवन ओ क्लॉक तुमको पढ़ने बैठ जाना है और कोई चॉइस नहीं अगर तुम नहीं बैठोगे क्योंकि वो रात तुमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करनी है करेक्ट है मुझे ऐसा लगता है दैट तुमको पहले ईको उठाना चाहिए और जितना तुमसे हो सके तुम ईको को खींचो और पोर्शन को खत्म करो स्पेशली वो वाला पोर्शन जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड ऑल दैट एक बात और बता दूं मेरे यूट्यूब चैनल पे खेतान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स मैंने फ्री में डाल रखा है सब मिला के तीस पैंतीस घंटे होंगे उससे ज़्यादा नहीं हैं ऑफकोर्स उस दिन अगर तुम उठाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे लेकिन अभी से अगर तुम अभी से भी घंटा दो घंटा भी अगर तुम देते हो स्पीड बढ़ा करके तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम तक तुम्हारा वो प्रिपरेशन हो जाएगा अगर तुमने अब तक नहीं किया है तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स खितान एजुकेशन के चैनल पे 30-35 आवर्स का नोट्स के साथ फ्री में पढ़ा हुआ है जब तुम ई का एग्ज़ाम दे के आओगे पहले ईको लेके बैठना न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन ख़त्म करना क्योंकि वो पेपर में आएगा और बहुत डिफिकल्ट नहीं आता मैंने बहुत अच्छा वहाँ पे पढ़ाया हुआ है बिलीव करना ओके okay? वो जो लेक्चर्स हैं इस वीडियो के साथ में उन लेक्चर्स के जो लिंक है वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी ओके okay? अगर तुमने पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं है अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो जाओ और सारे लेक्चर्स अटेंड करो अभी भी समय है हमारे पास में तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एग्जाम से आकर के ई आई एस एस एम के एग्ज़ाम से आकर के तुम पहले इकोनॉमिक्स फिनिश करोगे जितना कर सकते हो उतना करो जितना पॉसिबल हो सकता है खींचो तुम सोने के बारे में वगैरह के बारे में ज़्यादा मत सोचना तुमको सोने का टाइम उसके बाद कोई पेपर है नहीं तुमको आराम मिलेगा उसके बाद में ओके उसके बाद मैंने लिखा यू हैव टू स्लीप एट ट्वेल्व ए एम एंड अप अगैन एट सिक्स ए एम छः घंटे की स्लीप एग्जाम के समय में एट ए स्ट्रेच अगर साउंड स्लीप करते हो तो काफ़ी होगा मोबाइल यूज़ नहीं करना है तुम्हें उसके बाद यू गेटअप एट सिक्स सिक्स से सिक्स तक तुम फ्रेश हो जाओगे और सबसे पहले रेशो एनालिसिस लेकर के बैठो और तुमको दो घंटे में रेशियो एनालिसिस फिनिश कर देना है गैज ये तभी वर्क करेगा अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन पहले से बहुत करके रखी है और तुमने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके रखा है कि ओके okay, ये क्वेश्चन ही मुझे लास्ट डे में करने हैं दो घंटे में सेवन टू एट क्वेश्चन से ज़्यादा तुम ट्राई नहीं कर सकते पॉसिबल नहीं होगा सारा लिख के मत करना जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे उसका ईजी वाला पार्ट कैसे पे करना जो मुश्किल वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा लिख के कर लेना और खत्म कर देना रेशो इज़ अ बिग चैप्टर इसलिए मैंने दो घंटे दिए हैं उसके बाद तुम उठाओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वापस से मैंने दो घंटे दिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर वराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो उसको भी मैंने दो घंटे तुमको दिए ट्राई करना है कि शेड्यूल को स्टिक करना और वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारे पास जो लिस्ट है क्वेश्चन की सपोज करो फोर्टी सम्स हैं थर्टी सम्स हैं तो वो सिक्स सेवन सम जो तुमको एग्जाम वाले दिन ट्राई करना है वो सिर्फ तुम कर पाओगे बाकी सारा ट्राई करने को जाओगे तो नहीं पॉसिबल है उसके लिए पेजेस को फ्लिप करना है बट पेजेस फ्लिप भी तब कर पाओगे अगर अभी से रिवाइज कर रहे हो तो डेली थोड़ा, थोड़ा 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 देखते रहना है उसके बाद मैंने सी फाइनल वालों को ये वाला नहीं दिया था बफर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने तुमको हाफ एन आवर दिया है इन अ वे इट इज़ काइंड ऑफ ब्रेक फॉर यू लगे तो उसके अंदर में वॉट एवर तुमको अपने आप को नहाना है यू वॉन्ट टू बेद यू वॉन्ट टू डू ब्रश और यू वॉन्ट टू ईट ब्रेकफास्ट यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक जाके नीचे वॉक करके आना जो भी करना है वो आधे घंटे में तुम खत्म कर लेना नाम है ब्रेकफास्ट ओके okay? उसके बाद तुम उठाओगे लेवरेजेस तुम थक चुके होगे तुम लेवरेजेस उठा लो मुश्किल से पाँच क्वेश्चन अगर पाँच वरायटी के करते हो एंड यू आर सॉर्टेड मैंने एक घंटे दिए उसके लिए उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर तुम उठाओगे बड़ा टॉपिक है मैंने उसको भी तुमको दो घंटे दिए लेकिन मुझे लगता नहीं तुमको दो घंटे की ज़रूरत पड़ेगी अगर दो घंटे नहीं लगते हैं टाइम बच जाता है उसके अंदर ही तुम लंच करके खत्म कर देना वैसे लंच में के लिए मैंने अलग टाइम दिया आधे घंटे का वो तुम्हारे लिए बफर का, का काम करेगा अगर वहाँ कर लेते हो तो और अगर नहीं होता है तो आराम से दो बजे बैठना और ढाई बजे तक लंच करके अपना फिनिश कर देना आगे समय नहीं मिलने वाला है तुमको इसके बाद बैक टू बैक रहेगा ओके नाउ इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैंने इसके लिए तुमको ढाई घंटे दिए बिकॉज द वराइटी ऑफ द क्वेश्चन आर टू मैनी एक्चुअली हियर ओके देन कैश मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिसबल्स मैनेजमेंट ये सारे टॉपिक एक एक घंटे के अंदर करके खत्म करोगे तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन टुवर्ड्स द लास्ट क्यों दिया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बहुत एक टिपिकल टाइप का चैप्टर है अगर तुम उसको पहले उठाते हो ओके okay, और अगर तुम कैलकुलेशन में घुस गए तो ये बेसिकली वी कॉल इट कैपिटल बजटिंग तो पॉसिबल होगा कि सुबह से लेके दोपहर इसमें ही निकल जाएगा तुम्हारा ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज़ वाई मैंने इसको टूवॉर्ड्स द लास्ट दिया है सो so दैट कि तुम तीन घंटे से ज़्यादा इस चैप्टर को मत दो वापस एफ एम ईको में बिना प्लानिंग के बिना मार्किंग के तुम आगे बढ़ नहीं सकते वरना तुम्हारा रिविजन होगा ही नहीं मैं बता रही हूँ फिर वो डोरेमोन के जैसे आंसू दो दो ऐसे निकलेंगे और पता चला कि तुम्हारा कुछ भी रिवाइज नहीं हुआ है और तुम पैनिक मोड में आ जाओगे ओके okay? अभी से तैयारी करो अभी से ये रिस्क उसके बाद रिस्क एनालिसिस एक घंटे से ज़्यादा मत देना डिविडेंड डिसीजंस में तुमको मुश्किल से चार पाँच क्वेश्चन करने एक घंटा बहुत होगा तुम्हारे लिए उसके बाद तुमको सो जाना है आई नो सोने का टाइम मैंने कम दिया है पाँच घंटे दिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अब अगली रात से तो मुझे सोना ही है कम सोएंगे तो क्या होगा सी ए फाइनल वालों को सोने का अच्छा टाइम मिला ओके उनके नंबर ऑफ टॉपिक्स कम होते हैं एस एफ एम में ओके सी ए फाइनल में डेप्थ बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं उनका इजी है गाइस ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ओके okay. तो तुम सो जाना उसके बाद उठना है तुम्हें और उसके बाद ये छोटे मोटे जो टॉपिक है लाइक मैनेजमेंट ऑफ पेबर्स एंड फाइनेंसिंग उसके बाद बाय मैक्स टू मैक्स मैंने 8:30 थर्टी एम बोला है मैक्स टू मैक्स तुमको नौ बजे तक ये पोर्शन ख़त्म कर लेना है और उसके बाद जो टाइम बचेगा तो वाट एवर थियोरी ओके जो तुम्हारी एफ की थियोरी है वो और ईको का अगर कोई पोर्शन बच गया है वो वो तुमको खत्म करना है ओके okay? एंड तुमको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कौन सा पोर्शन तुम्हें उस समय पे करना है एंड देन यू आर रेडी फॉर योर बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ वेर इन यू विल बी गिविंग योर लास्ट पेपर ऑफ सी एंटर तुमको इस तरह से पेपर लिखना है एज इफ जिंदगी में दूसरा चांस नहीं मिलने वाला ये मत सोचना कि छ महीने के बाद वापस एग्जाम आएगा मेरे को लिखना है नो no.

अब भी पढ़ाई करना है नो मोबाइल नो सोशल मीडिया नो यूजलेस इंट्रैक्शन ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम वॉट एवर फलाना ढिमका फॉर दैट मैटर इट इज़ अ क्रूशियल डे फॉर यू योर होल ऑफ़ करियर ये तुम्हारी उम्र में जितना पढ़ोगे जितनी मेहनत करोगे उतना कम होगा तुम्हारे लिए इसलिए उठो मैंने पहले दे दिया है तुमको 1.5 पॉइंट डेज की स्ट्रैटेजी अभी से काम करना शुरू करो अभी से मार्किंग करना शुरू करो कि वो पाँच या सात या दस क्वेश्चन कौन से होंगे जो उस एक घंटे के अंदर ही मुझे ख़त्म करने हैं ओके एंड मैंने स्माइली दी है ये कहने के लिए ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू भगवान करे जो तुम पढ़ो वो तुम्हारे पेपर में आए और तुम अपनी लड़ाई बिल्कुल साहस के साथ विथ lots एंड lots ऑफ लाइक like, uh, क्या बोलते हैं विल पार के साथ विथ lots एंड lots ऑफ हैप्पीनेस यू कम आउट विथ ऑल दोज फ्लाइंग कलर्स एंड कम स्माइलिंग लाइक दिस emoji. थैंक यू